तो ये जो बिस्किट है मुझे 120 रुपए का मिला है, डे ड्रीम इसका नाम है। और मुझे नहीं पता था पाकिस्तान के अंदर इतने अच्छे बिस्कुट जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। तो एनीवे खा के देखते हैं। और ये बिस्कॉनी जो कंपनी है उसका है, और नीचे इसके लिखा हुआ है कि प्रीमियम कुकीज़ विद रिच चॉकलेट इनसाइड। तो देखते हैं भाई क्या सीन पार्ट निकलता है इसके अंदर। और कुछ मैं आप लोगों को थोड़ा इसका और बताऊं तो भाई ये बलूचिस्तान में बनते हैं, इस्माइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जो कि हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी ये कंपनी है। जो कोको शोकोमो आती है वो इनकी आती है। तो एनीवे खा के देखते हैं किस तरह के हैं ये। तो वैसे ये एक बात बताऊँ, ये एक्सपोर्ट भी बाहर होती है मेरे ख्याल से मिडल ईस्ट के अंदर। तो सिंपली मैं इसका डब्बा खोलता हूँ और आपको जो है वो सीन पार्ट बताता हूँ किस तरह का है खा के। तो इसका डब्बा जो है वो मैं खोल लेता हूँ, और अंदर से जो है इसका ये एक पैकिंग दूसरी है, तो वो भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और काफ़ी नाइसली पैक, ओवरऑल जो कह लो प्रेजेंटेशन एक लिहाज से कह लो काफ़ी ठीक ठाक है। और इसका मैं जो ये फिल्म वाला है ये भी खोल लेता हूँ। तो भाई ये भी जो है वो मैंने खोल लिया है, और ट्रे में ज़रा बाहर निकाल दूँ। तो भाई ट्रे जो है वो मैंने बाहर निकाल दी, और सबसे बड़ा पाकिस्तानी पुना ये कि ट्रे में कितने हैं ये भी गिन लेते हैं। तो इसके अंदर भाई 1 2 3 4 टोटल जो है वो 16 पीस हमें मिलते हैं। तो ठीक है 120 रुपये के अंदर, लाइक 10 रुपये के अंदर, 10 रुपये से भी कम का आपको जो बिस्किट वो पड़ता है, और नॉर्मल पाकिस्तान वाली प्राइसिंग है। तो एक्सपोर्ट होता है, ये नहीं कि स्पेशली कोई महंगा है। तो देखने में है तो ठीक, और इस टाइम मुझे स्मेल ना काफ़ी चॉकलेटी कॉफ़ी टाइप की आ रही है। तो सिंपली खाते हैं इसको, और मैं कुछ जो है वो प्लेट में निकाल लेता हूँ। तो ये 2 3 जो है वो मैंने प्लेट में निकाल ली हैं। और जहाँ तक बात है कुछ इसकी आउटर लुक की, तो छोटा सा ये बिस्किट है, लाइक चॉकलेट चिप जो आता है उस साइज़ का ये बिस्किट है, और चॉकलेटो बार से जो है ना इसका सेम वो साइज़ है, और इसकी ओवरऑल टेक्सचर भी उस जैसे ही मिलता है। तो सिंपली मैं खाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ किस तरह का है ये। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, बिस्किट का जो टेस्ट है ना, चॉकलेट हो या फिर अगर आपने चॉकलेट चिप खाए हुए हैं इनके, तो सेम उस तरह का ही है, और कोई स्पेशल डिफरेंट नहीं है बिस्किट के उसके अंदर। और मैंने ज़रा शुरू से खाया तो मुझे चॉकलेट प्रॉपरली नहीं आया, तो मैं ज़रा दोबारा से बाइट करता हूँ। अच्छा, चॉकलेट काफ़ी ठीक ठाक डिलीवरी है, नो डाउट, और काफ़ी रिच है। दूसरा मेरे लिए एक्सप्लेन करना आसान हो गया है, चॉकलेट गले में लग गया यार। तो मैं कह रहा था कि चॉकलेट जो है ना वो, अगर आपने चॉकलेट चिप खाए हैं सेम वैसी चॉकलेट है, जस्ट अंदर जो है वो कॉफ़ी की जो रिचनेस है वो डाल दी है। तो ऐसे इतना भी स्पेशल नहीं मुझे लगा, टेस्ट भी बस ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते। मैं एक दफ़ा दोबारा खा के देखता हूँ। ओवरऑल टेस्ट काफ़ी ठीक ठाक है, और अगर इसे मैं 10 में से नंबर दूँ तो 8 जो है वो नंबर मैं इसको दूंगा। तो ओवरऑल टेस्ट वाइज काफ़ी ज़बरदस्त है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, मगर ओवरऑल खाने में मज़े का है। और अगर आप ट्राई करना चाहो तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ट्राई वगैरह कर सकते हो। तो ये भाई हमारे हैं बिस्कॉनी के ये चॉकलेट चिप कॉफ़ी वाले जो है वो कुकीज़। बाकी आप लोगों के सजेशन वगैरह हो तो मुझे कमेंट्स में दे देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कोई और खाती पीती वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।